तो दोस्तों, नायरा को आज सुबह सुबह जोर से चेयर लग गई है। तो देखो अभी यहाँ कैसे बता। नायरा किधर लगा, देखो बता। ये कहाँ लगा बता, चल बता तो सबको किधर लगा बता। ये लगा क्या? अरे बाप रे, कुर्सी लगी क्या अम्मा? नहीं, नायरा को गिया। कैसे क्या लग गई? अभी देखो नायरा सबको बता बता रही है उसको कैसी किधर लगा, क्या बता लगा। बता 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 सबको ले जाके बता रही है चेयर लगी है उसका। ये लग गई क्या? कहाँ पे लगी बेटा, कहाँ पे लगी? इसको मार मार। पर कहाँ पे लगी मेरे को बताना, ये पर लगी कहाँ पर? बस 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 बस। बस हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम लोग कुछ एक दूसरे को ऐसा चैलेंज दे रहे हैं कि ये ब्लॉग में हम पूरा झूठ बोलने वाले हैं। झूठ बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, पर सच कभी नहीं बोलेंगे। तो अखिल भाई, आप शपथ लेना चाहोगे आज के ब्लॉग के आज लिए? टास्क किए, अभी थोड़ी देर के लिए अपन सब लोग यही बोलेंगे, झूठी बोलेंगे। अभी आगे के जो वर्ड्स बोलेंगे हम लोग, वो सब झूठे रहेंगे और उल्टे ही रहेंगे। टाइम शुरू होता है अब। कल निखिल और ये लोग आ रहे हैं ना, तो उनके वेलकम की तैयारी की निखिल और है। ये लोग कौन होते हैं? निखिल और श्रुति का। अच्छा, वो पुणे से आ रहे हैं ऐसा? नहीं, वो यूएस गए हैं। अरे वो डायरेक्ट जलगांव। ये अपार्टमेंट पे लैंड हो गए। व्यू और वो लोग शिफ्ट हो गए उल्टा ऊपर वाले घर में। अच्छा दोस्तों, सुबह से घर पर ही हूँ, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है और क्या करना कुछ समझ रहा नहीं है। मैं सच्ची मोटी क्या? बन्नू दिन पे दिन बहुत मोटी होते जा रही है। बन्नू की हाइट बढ़ रही है, वो अदरक के जैसे फूलती जा रही है। मन्नू सच में बहुत हेल्दी हो गई है। तेरा डांस भी बहुत खराब हो गया है। हाँ, आजकल डांस मन मेरे को टारगेट मत बनाओ यार। और मेरे बाल बहुत छोटे हैं, कंघी में भी नहीं आ रहे अभी तो। बस तो किचन में खाना ही नहीं बनाया है, खाना के सब पे यार सब आज सब कच्चे दाने, कच्चे खाना है, कच्चे चावल, कच्ची दाल, कच्चा आटा, कच्चा सलाद, सब कच्चा कच्चा खाओ आज। और अगर बनाने का मन रहेगा तो अखिल भैया और कुणाल बनाएंगे। मैं खा के आया बाहर से, मुझे भूख नहीं। पर अभी मैं तो दिन भर से घर पर ही था आज, और अब भी उठाऊ मैं रात के 9 बजे। और नायरा है ना, अभी मेरे को तो कुछ काम ही नहीं रहता है, दिन भर में सोती रहती हूँ, खाती रहती हूँ और सोती रहती हूँ बस। नायरा अपने आप खा लेती है, नायरा अपने आप पी लेती है, नायरा सब अपने आप कर लेती है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ घर पे, खुद ही घूमने पर। अभी वो जैसी जैसी बड़ी हो रही है ना नायरा, और ऐसी शांत होते जा रही है, बहुत बिल्कुल एकदम सब बड़े बच्चों दिन भर सोती रहती है नायरा, तो दिन भर सोती रहती है नायरा। हाँ नायरा, दिन भर तकलीफ दी नायरा ने आज, दिन भर त्रास दिया, दिन भर रोती रही नायरा तू आज। नायरा हाँ, आज नायरा ने दादी को और चाची को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी। वाव नायरा वाव। दे ताली, ताली दे माँ, ताली दे। ये पूजा के जो है ना, वो टैटू मैंने लाया था पूजा को, जो टैटू। ये टैटू हमारे घर के कुकर ने लाया है। अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन और प्रतिष्ठा। ये एकदम ठंडे ठंडे कुकर का चटका लगा है, एकदम ठंडा, एकदम फ्रीज कुकर का। आजकल अपने ब्लॉग्स को बहुत व्यूज आ रहे हैं ना। और कमेंट्स भी बहुत आते हैं आपके सबके। जख्म था, है जख्म। इससे भी गंदी वाली जख्म थी। आजकल अपने ब्लॉग्स सभी बहुत हिट जा रहे हैं। डायरेक्ट मिलियन व्यू आ रहे हैं, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं अभी हर ब्लॉग पे हमारे। कमेंट्स भी बहुत आते हैं। और अभी हम कल घूमने जाने वाले हैं, क्योंकि हम घर में बैठे बैठे बहुत खुश हो गए। काम ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, कुछ काम ही नहीं है, सब फ्री बैठे हैं, तो हम लोग कल फिर से घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों ने सोचा है कि घर के ऊपर हम हेलीपैड बनाने वाले हैं, और अभी हम जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं। तो अभी जब भी हमारा मन करे हम मोंटी भैया से मिलने जा सकते हैं, मोंटी भैया हमसे मिलने आ सकते हैं, शिवानी धामनोद जा सकती है, मैं पुणे जा सकती हूँ,
हम बस और बस चला तो हम दीदी से मिलने यूएस भी जाने वाले हैं। मेरी नायरा भी चल जाएगी यूएस, है ना नायरा, ये चल जाएगी मौसी से मिलने। अरे भाई मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, खाना मत लगाओ। ठीक है और थोड़ा स्लो स्लो लगाना यार, बिल्कुल भूख नहीं अभी। अरे ऐसे मत कर रहे भैया, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मत कर मत कर। ऐसे बचपन में बिल्कुल नहीं करता था कोई मुझे। नायरा दादा को बुला दो, आ करने। क्या? नहीं मैं नहीं आता, मैं नहीं आता। नायरा हाथ पकड़ के लेके आओ दादा को, आ आ आ करने। बुलाओ बुलाओ, तो अभी हम लोग खाना नहीं खा रहे और खाने में बनाया है दाल चावल, कच्चे दाल चावल और सब्जी, आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी। तो चलो अभी उल्टा बोलना हम लोग इधर ही ख़त्म करते हैं। और अभी मैं आज डांस क्लास गया था तो अखिल भाई ने मुझे बताया कि देख बोले मोबाइल में अपने ये ब्लॉग है जो अब तक अपन ने डाला ही नहीं, रह ही गया था, बहुत अच्छा था। तो अभी हम वो ब्लॉग को देखते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आया हूँ डांस क्लास पे और आज बहुत स्पेशल लड़का, इंसान, व्यक्ति ऐसे बोल सकता हूँ मैं, वो मुझसे मिलने आया है, मतलब बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं। तो चलो उससे ही मिला था, पाँच छः महीने हुए होंगे ना। तो मेरा स्टूडेंट भी है, बहुत छोटा था, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो ये वो गाइस, सब सब लोग थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है नहीं तो ऑडियंस डायरेक्ट बोलते कि आवाज़ नहीं आई। हाय गाइस, दिस इज शिवम वानखेड़े। बहुत अच्छा लगा अखिल सर से मिल गया, एक्चुअली 5-6 महीने हो गए उसके बाद मिल रहा हूँ। एंड मैं आपके ब्लॉग्स देखता हूँ बट हमेशा, एंड देख के बहुत अच्छा लगता है। आपको बता दूँ शिवम है ना बहुत छोटा था, मतलब उसके बाद फिर उसने DIT लिटिल मास्टर किया और अभी तो इतना नाम कमा रहा है, मतलब हम लोग ऐसे बोलते कि अरे देखो अभी फोन आ रहा है उसको, चैनल पर से कहीं ना कहीं से फोन ही चलते रहते हैं, हम लोग देख के बोल सकते कि यार अरे कितना आगे बढ़ गया है। शिवम ही बताएगा अभी वो क्या कर रहा है। शिवम बताना यार तू अभी क्या कर रहा है, एक मिनट में शिवम की तरफ कैमरा करता हूँ। अच्छा तो नहीं, अभी तो मैं मुंबई में हूँ, वैभव सर के साथ काम करता हूँ एंड बस अखिल सर के बदौलत ही सब कर रहा हूँ। देखो देखो बातें तो देखो कितनी मस्त करने लग गया है। और अभी बता दो आपको DID लिटिल मास्टर जो विनर बने वैभव सर की टीम, तो उसमें शिवम भी था ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब अभी वैभव सर के जितने भी रहते हैं शोज उसमें शिवम रहता ही कहीं ना कहीं। हाँ मतलब मोस्टली वैभव सर के साथ काम करता हूँ एंड वहीं पे अलग अलग रियलिटी शोज में सिखाता हूँ। बस वैभव सर की दुआ ऐसे ही रहे हमेशा पीछे, अखिल सर की दुआ रहे हमेशा पीछे। और हाँ इसको फॉलो करना, इसका नाम शिवम वानखेड़े है, तो इसको फॉलो करना, इसके मस्त मस्त डांस रहते। और अभी शिवम ने नया मोबाइल भी लिया है तो अभी स्टोरी वोरी भी सब आपको देखने मिलेगी। मैंने बहुत कम लोग देखे मतलब ऐसे जो स्टोरी वोरी नहीं डालते, ये नहीं करते, अपडेट नहीं करते, और ऐसे नहीं उनको पसंद नहीं है, वो अपने काम में इतने बिजी रहते, तो उसमें से एक ये है यानी वो इतने अपने काम में बिजी रहता और ये एज में उसने जो किया है, मतलब मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना, सबका करना, और ऐसा कभी नहीं होता है शिवम जलगांव आया और मुझसे मिले ना, अभी मुझे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता है। तो ऑल द बेस्ट तेरे फ्यूचर के लिए, है ना। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते, मिलते हैं। तो दोस्तों अभी शिवम गया, मतलब फिर से अभी वो उसके फैमिली के साथ रहेगा क्योंकि 5 महीने में अभी आया था वो, तो फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाया ज़्यादा। तो अभी मुझसे मिलना हो गया उसका, अभी घर जाएगा, खाना खाएगा और फिर से रिटर्न वो मुंबई जा रहा है क्योंकि मुंबई में वो वैभव सर के साथ फिर से DID मॉम्स कर रहे हैं। और बहुत मतलब प्राउड फील होता है यार कि एक जलगांव से हम लोग निकले, एक ड्रीम था कि एक बार तो भी कोई क्लास का बच्चा TV पर आए, बट आज देखो कि TV पर ही अपने डांस क्लास के बच्चे सिखा रहे हैं और वो दिख भी रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इतना बोलूँगा शिवम के लिए, सच में तुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील करता हूँ मैं। और जब वो जा रहा था ना तो बहुत मुझे ऐसे अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी छूट के जा रहा है, बट उसे ही पता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। तो जल्दी हम लोग शिवम के साथ फिर से मिलेंगे और आप याद से उसको फॉलो भी करना है इंस्टाग्राम पे, शिवम वानखेड़े, आप मेरे इंस्टा पे भी देख सकते हैं शिवम वानखेड़े को। तो चलो अभी घर पर जाता हूँ।
तो फ्रेंड्स आज डॉक्टर डे है, डॉक्टर्स डे, तो मैंने सोचा कि पूजा के लिए कुछ केक लेके जाऊँ, फूल लेके जाऊँ, कैडबरी लेके जाऊँ, तो मैं अभी वो लेने जा रहा हूँ मेरे डॉक्टर के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए कुछ अच्छा सेलिब्रेट करना चाहिए हम लोगों ने। Yes. तो अभी मैंने केक भी ले लिया है, रोज भी ले लिया है, कैडबरी भी ले लिया है। अभी चलो घर जाते हैं, घर पे अरे पप्पी नहीं बोल रहा, मैं हैप्पी बोल रहा हूँ। हैप्पी उसको हैप्पी को ऐसा सुन लग रहा होगा उसको, पप्पी तो पप्पी दे रही है। और ये केक हमेशा मोटिवेट करने वाले, हमेशा मुझे नीचे से ऊपर लेके जाने वाले मेरे होनहार पति, थैंक यू सो मच। और देखो मैंने जो केक लाया है ना, ये फेवरेट है पप्पा का, और यहाँ पे सबको ही अच्छा लगता है, इसलिए फिर मैंने ये वाला केक लाया। नारा बड़ी होके क्या बनोगी? दिस इज डॉक्टर एंड दिस इज डांसर, ओके, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर और डॉक्टर, दोनों दोनों पकड़ लिया, दोनों और दोनों डॉक्टर डांसर दोनों। हैप्पी डॉक्टर डे टू यू, हैप्पी डॉक्टर डे टू यू, हैप्पी हैप्पी डॉक्टर।